क्लास 7th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर वन क्या है आपका? विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत। इसका आप पहले बुक ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपका? टिक द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट है आपका द मैन लिव्ड, लिव्ड मतलब रहना, आदमी कहाँ रहता था? इसका आंसर है ब्लो द माउंटेन, यानी पहाड़ के नीचे रहता था। क्वेश्चन नंबर टू, द यंग मैन अटेम्प्ट डैश बट फेल्ड। उस युवक ने कितनी बार जाने की कोशिश करी परंतु वो असफल हुआ। इसका उत्तर है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु नो द वे टू द माउंटेन। कौन जानते थे पहाड़ के बारे में? आंसर है बोथ क्लाउड्स एंड ईगल्स, दोनों। कौन? एक तो बादल और चील, वो वहां पर सबको जानते थे। क्वेश्चन नंबर बी, टिक राइट और क्रॉस अगेंस्ट ईच सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस सही है तो सही पर निशान लगाइए, गलत है तो गलत पर निशान लगाइए। फर्स्ट है आपका द यंग मैन लिव्ड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। क्या वह युवक माउंटेन के ऊपरी दिशा पर रहता था? इसका उत्तर है गलत। सेकंड, द माउंटेन इज कवर्ड विद ग्लेशियर एंड स्नो, यह पहाड़ जो पूरा ग्लेशियर और बर्फ से भरा हुआ था। इसका आंसर है राइट। थर्ड, द यंग मैन वॉज ब्रेव एंड करेजियस। जो वह युवक था, ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर और साहसी था। इसका आंसर है राइट। फोर्थ, द यंग मैन टायर्ड एंड टायर्ड अगेन बट कुड नॉट क्लाइम द माउंटेन। जो युवक था उसने बार बार कोशिश की परंतु पहाड़ पर नहीं चढ़ सका। इसका भी उत्तर है राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओनली द क्लाउड्स एंड ईगल्स नो द वे टू द माउंटेन। माउंटेन को सिर्फ जानने वाले कौन थे? एक बादल और दूसरे चील। इसका उत्तर भी है सही। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर अपन अंत में देखेंगे। अब ये देखिए आप, कंप्लीट द स्पेलिंग्स दी हैं आपको। कुछ इसमें से अल्फाबेटिकल्स नहीं लिखे हैं, उन अल्फाबेटिकल को आपको लेकर और इस शब्द को सही करना है। फर्स्ट आपको दिया है ब्लो, ब्लो मतलब नीचे की तरफ, ठीक। लॉफ्टी यानि पर तरफ, करेज साहस, इंटरप्राइज उगम, क्लाउड्स बादल, बिलीव विश्वास। इसमें हमने इन सब शब्दों को फ्लप किया और पूरा करने की कोशिश की। अब इसके बाद आप अपने मैच द कॉलम्स देखिए। लॉफ्टी को हमने किससे कप किया? पिक, पिक मतलब ऊंची चीज। शोल्डर्स ऑफ स्नो, आर्म्स ऑफ आइस, अवेफुल वॉइस, माउंटेन्स आउट। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, वेयर द मैन लिव्ड एंड व्हाट वाज हिज इंटेंशन। इसमें इंटेंशन का मतलब है इरादा। क्वेश्चन का पूरा मतलब है वह युवक कहाँ रहता था और उसका इरादा क्या था। द मैन लिव्ड
blow a mountain and he was his intention their way to go to the place. वह आदमी पर्वत के नीचे रहता था और उसका इरादा था कि वह उस जगह पर जाए. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई वॉज द माउंटेन ब्यूटीफुल, पहाड़ क्यों सुंदर था. आंसर, द माउंटेन वॉज ब्यूटीफुल बिकॉज इट वॉज क्राउन विद ग्लेशियर एंड स्नो. पहाड़ खूबसूरत इसलिए था क्योंकि यह पूरा ग्लेशियर और बर्फ से भरा हुआ था. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड द माउंटेन सी व्हेन द यंग मैन फेल्ड इन हिज एंटरप्राइज. क्या कहा पर्वत ने उस युवक से जब वह युवक असफल हो रहा था. आंसर, व्हेन द यंग मैन फेल्ड इन हिज एंटरप्राइज सो द माउंटेन से शोल्डर्स ऑफ स्नो एंड द आर्म्स ऑफ आइस ब्रेवली ही स्केल्ड. जब वह युवक बार बार असफल हो रहा था तो माउंटेन ने कहा कि अपने बहादुरी से बाहें और कंधों को फैला दो. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द यंग मैन रिप्लाई, युवक ने क्या उत्तर दिया. द यंग मैन रिप्लाइड, I shall try it again. युवक ने यह उत्तर दिया कि मैं इसे फिर से कोशिश करूंगा. क्वेश्चन नंबर फाइव, What success did the young man achieve at last? इस क्वेश्चन का मतलब है, जो युवक था वो अंत में क्या सफलता प्राप्त की थी. आंसर, Yes, the young man achieved at last and success he got to the Mount Everest. हाँ, युवक ने अंतिम समय में सफलता हासिल भी की और वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया. अब ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए गए हैं, इन्हें कॉपियों में लिखिए और याद करने की कोशिश करिए.